जितना सोचा जाता है उतना तो कभी भी पूरा नहीं होता है, पर जो मिलता है उसमें खुश रहना चाहिए। यही सीखा अभी तक ट्रिप्स करते हुए। लोकेशन को देख के तो ऐसा लग रहा है, तो फिर यहाँ पर यूएई में उत्तराखंड वाले ट्रैक का मजा आता हुआ। दिस इज मुदित एंड यू आर वॉचिंग M2 ट्रेवलर्स। तो आज वीकेंड दस्तक दे चुका है, आज हम कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नया ट्रैवल करेंगे। तो आज हम जाने वाले हैं फुजैरा में अल रफीशा डैम, जहाँ पर हम जाके कयाकिंग करेंगे। और वहाँ एक पास में एक विलेज है जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, पर ऑब्वियस है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट वहाँ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कर देगी। तो उससे पहले ही रॉ नेचर का फील लेते हैं, वर्चुअल एक्सपीरियंस को फील करते हैं। तो आज हम चलते हैं रफीशा डैम। रफीशा डैम यहाँ दुबई से, मैं दुबई में रहता हूँ सिलिकॉन ओएसिस में, वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर्स खोर फकान शारजा रोड पे पड़ता है, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है कायाकिंग करने के लिए। और भी प्लेसेस हैं यहाँ यूएई में कायाकिंग करने के लिए, आप वीकेंड्स पे इन्जॉय कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा और डिटेल्स भी शेयर कर दूँगा। तो अभी के लिए हम लोग निकलते हैं रफीशा डैम। अभी जाने से पहले कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि यार ऐसी जगह पर कुछ खाने को तो मिलता नहीं है। बिल्कुल ही रॉ नेचर है वहाँ, कुछ नहीं है, पहाड़ हैं और वादियाँ हैं और रोड है और आप हैं। तो निकलते हैं फिर इस सफ़र पर। जाने से पहले सोचता हूँ कुछ खाने के लिए भी पैक कर लिया जाए, तो कुछ यहाँ से उठा लेते हैं फिर से अपने और पैक कर लेते हैं और निकलते हैं फिर रफीशा डैम की तरफ। तो पैकिंग हो गई है, निकलते हैं अपने सफ़र पर। वर्चुअल एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा आपके साथ, पूरे रास्ते की ट्रिप को दिखाता चलूंगा और रफीशा डैम पे अब डायरेक्ट मिलते हैं। तो ऐसा कुछ खास पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा गीला हो सकते हैं तो एक्स्ट्रा कपड़े रख लीजिएगा, और खाने के लिए रखना कभी मत भूलना, और पानी। तो फिर निकलते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज भी हम अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाए, जो आप ये टनल देख रहे हैं। इधर पुलिस ने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रखा है, क्योंकि नेशनल डे की वजह से रफीशा डैम पर बहुत ज़्यादा पब्लिक आ चुकी है और पुलिस को कोविड की वजह से वहाँ से ट्रैफिक को डेविएट करना पड़ रहा है, जिससे वहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना हो। और नेशनल डे की वजह से पब्लिक पूरी घर से बाहर निकली हुई है, वीकेंड भी है, तो हम लोग आज भी नहीं पहुँच पाए अपनी डेस्टिनेशन पर। और जो मैं आपको विलेज बताया था, हम लोग उस तरफ आ गए हैं, तो चलिए दिखाता हूँ। तो क्या हाल है भाई लोग? तो आज हम लोग आए हुए हैं नजदल मक्सर विलेज, जो कि खोरफकान में ही है। लास्ट टाइम हम लोग शीश पार्क आए थे, आपको ध्यान होगा। आज हम आए हैं विलेज, पुराना यहाँ पे एक विलेज है, ये देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये एक विलेज है। यहाँ पे हम लोग आए हैं ट्रैक करने, छोटा सा ट्रैक है एक, अभी दिखाता हूँ आप। ये देखिए यहाँ से एक छोटा सा ट्रैक है और ये विलेज है ऊपर, ये दिख रहा होगा आपको विलेज। और भीड़ तो काफ़ी है देखिए, क्योंकि आज नेशनल डे है, 49 नेशनल डे है यूएई का। पब्लिक एकदम भर के आई हुई है हर जगह, पार्किंग की भी पूरी दिक्कत है, पूरा पैक्ड है देखिए। Yeah.
मिलाते हैं आपको फिर से खान साहब से। ध्यान होगा आपको लास्ट वीडियो में भी खान साहब हमारे साथ आए थे खोर फकान के ट्रिप पे। आज एक नई जगह ढूंढी है हम लोगों ने, इस जगह का नाम है नजदल मकसर विलेज। ये रफीशा डैम है खोर फकान रोड पे, अल रफीशा डैम के पास राइट टर्न लेने से ये एक विलेज है जो आपको दिख रहा होगा वीडियो में ऊपर, ये विलेज है, ये आ जाता है। बाकी थोड़ा आपको बताएंगे इस जगह के बारे में खान साहब, मिलियन से दोबारा से। हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे वीकेंड्स के लिए और अभी 2nd of December चल रहा है तो ये छुट्टी का टाइम है। हाँ, तो आपको बताना चाहेंगे नेशनल डे है यूएई का, 49th नेशनल डे है, तो भीड़ भी आप देख रहे होंगे, देखिए पूरा भीड़ है, पूरा पैक्ड है ये एरिया। सामने का भी लोकेशन दिखाता हूँ आपको, देखिए बहुत ही अच्छा जगह है। तो देखिए ये छोटा सा एक ट्रैक है, ये ऊपर छोटा सा एक ट्रैक है, ये अभी ट्रैक करके हम लोग जाते हैं ऊपर, फिर ऊपर से व्यू दिखाते हैं आपको बी रोल में। तो चलिए मिलते हैं। लोकेशन को देख के तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिनों में ये भी अच्छे से डेवलप कर दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे भी काफ़ी टूरिज्म आएगा और बहुत अच्छा ये एक लोकेशन डेवलप हो जाएगा कुछ दिनों बाद। जैसे कि देखिए यहाँ पे का ये लोग कुछ अरेंजमेंट बना रहे हैं, शायद कुछ दिनों में बहुत अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाएगा घूमने के लिए। और जगह तो ये है ही प्यारी, देखिए ये अभी लेटेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएगा कुछ दिनों में खोर फकान एरिया का। थोड़ा सा ही ट्रैक बचा है, बस यहाँ तक जाना है। शादी का काम हो रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर यूएई में उत्तराखंड वाले ट्रैक का मज़ा आता हुआ। और ये देखिए खान साहब अभी थक चुके हैं, काफ़ी लंबा ट्रैक है, ऐसी बात नहीं है, बहुत छोटा नहीं है। ये 20 मिनट का ट्रैक करके फाइनली पहुँच चुके हैं ऊपर, यहाँ से व्यू तो बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये रहा विलेज, काफ़ी सुंदर जगह है वैसे तो, सनसेट का भी नज़ारा काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में और भीड़ भी पूरी आई हुई है। कोविड को लोग अपनी ज़िंदगी से अब बुला चुके हैं, मास्क पहन के निकल चुके हैं घूमने, लुत्फ़ उठा रहे हैं वीकेंड का। पर मैं काफ़ी सर्च किया, मुझे ऐसा कुछ इस विलेज के बारे में हिस्ट्री पता नहीं लगा। अगर आपको किसी को पता हो व्यूअर्स को तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर चलते हैं अपने घर की तरफ, यहाँ काफ़ी रात भी हो चुकी है, सनसेट हो चुका है फाइनली, तो निकलते हैं। कलवा रोड पे हैं और दुबई वापस अपने घर जा रहे हैं, तो फिर नहीं ख़त्म करते हैं इस ट्रिप को, अगली किसी ट्रिप में मिलेंगे आपको दोबारा। जुड़े रहेगा हमारे साथ M2 Travelers। पीस आउट।